मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आज बवनिया धाम में महाराज जी कैसे पधार रहे हैं, वहां पर क्या होने वाला है, कौन कौन और कैसे कैसे ये काम, विस्तृत काम जो आपने आज 4 दिन तक लाइव देखा है उसकी एक रिपोर्टिंग आने वाले समय के लिए क्या होने जा रहा है। तो कैची धाम के प्रबंधक विनोद जोशी जी, वहाँ के कार्यक्रम संयोजक और वहाँ की जो बागडोर संभाले हुए हैं विशाल भवसार जी दे रहे हैं जानकारी। साथ में है भैयो जी, एमपी सिंह जी, प्रदीप दीक्षित जी और बहुत भक्त। ये हाँ मैं बताता हूँ आपको ऐसा है। तो यहाँ पे जो पीछे दिख रहा है ना, वहाँ पे महाराज जी का तखत रखेंगे, महाराज जी का कंबल रखेंगे ये दीवार पे, और सामने महाराज जी की मूर्ति आएगी। ये एंट्री इधर से, नहीं नहीं सामने इधर ये सामने जैसे हनुमान जी की मूर्ति है साउथ फेसिंग, वैसे ये लेक अपना साउथ में है। तो महाराज जी सामने आएंगे, सामने वाली वॉल पे महाराज जी आएंगे और यहाँ पे उनका तख्त आएगा। ये जो दीवार है ना इधर साइड, हाँ साइड में तख्त आएगा। 10-15 लोग यहाँ पे तख्त के सामने बैठ सकते हैं, सामने महाराज जी की मूर्ति के सामने बैठ सकते हैं। तो ये भी उसका भी पूरा अंदर बाहर सब मार्बल लगेगा, जैसे वो लगा ना वैसा मार्बल लगेगा। ऊपर से दोनों मंदिर सेम है, गुम्बद से, हाँ गुम्बद सेम, शिखर जो बोलते हैं वो दोनों का सेम है। तो ऊपर से शेप सेम है, नीचे ये हमने हॉल बनाया है तो लोगों को बैठने के लिए और थोड़ा ध्यान करें और तख्त रखेंगे। दादू पहले क्या था मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो ये दीवार है ये वाली, ये यहाँ तक थी। और अपनी जो जगह थी वो सिर्फ ये मंदिर जो अपना हनुमान जी का मंदिर है ना उतनी जगह थी अपने पास। फिर ये अपने गांव के सरपंच ने जगह दे दी हमको धीरे 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 करके, यहाँ पे थोड़ा 15 फुट दिया और आगे पूरा ये 1,500-2,000 square feet की जो जगह थी वो पूरी बन गई 25,000-30,000 square feet की जगह। तो बाजू में इसके दो जो अपना लास्ट जो पेंडेंट्री है उसके बाद यज्ञशाला है और उसके बाद आश्रम का है और उसके बाद पार्किंग है। जो टोटल फाउंडेशन हो गई, हाँ वो आश्रम का फाउंडेशन है। आपने फाउंडेशन जो देखा अभी बन रहा है वो आश्रम का फाउंडेशन। तो ये भी हमको मंदिर के आगे जगह मिल रही, और हम यहाँ से भी और क्या कर रहे हैं, यहाँ से कैंटिलीवर ऐसा डेक बनाएंगे, ये ऐसा कैंटिलीवर ये दीवार से, तो और 12 फुट हम उस तरह के तालाब की तरफ जाएंगे। तो ऊपर ही हो जाएगा, हाँ ऊपर ही हो जाएगा, नीचे पिलर नहीं रहेंगे, ऐसे सपोर्ट मिल जाएगा, कैंटिलीवर डेक बनेगा। फाउंडेशन तो बहुत गहरी जा रही है, इसका फाउंडेशन हो गया, उसमें तो हम सपोर्ट इसकी दीवार से दे देंगे, आरसीसी की जो दीवार है उससे ऐसा सपोर्ट देंगे, ऐसा रहेगा ये डेक, ऐसा जाएगा और ऐसा सपोर्ट यहाँ दीवार पे लगेगा। तो और 12 फुट हम, तो ये क्या है मंदिर के आगे हमारे पास जगह काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जो यहाँ पे आप खड़े रहे ना, ये हम खड़े हैं वहाँ पे, वो तो जमीन थी नहीं, यहाँ तक ही थी। महाराज जी का क्या विचार है, कैसे कैसे आइडिया दिया, कहाँ से बनवाया है, किसी को समझ में आया, कैसे इंजीनियर लाके रखी कोई किसी को पता नहीं चला, बस अपने आप होता जा रहा है। मतलब हमको भी खुद को पता नहीं चल रहा, एक साल पहले इतनी जगह थी हमारा, बिल्कुल एक साल पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट भी